नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और इसके साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में तीरथ युग की शुरुआत हो गई है। तीरथ सिंह रावत इससे पहले पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से सांसद थे। संघ की पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले तीरथ सिंह रावत जमीनी नेता माने जाते हैं और अब उनके ऊपर अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है। तीरथ सिंह रावत का सफर उनके गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ। उनका ये सफर धैर्य, सहनशीलता, कर्मठ कार्यकर्ता की उनकी छवि को और मजबूत बना गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से राजनीति शुरू करने वाले तीरथ का अविभाजित यूपी और उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में दखल रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीएस खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को करीब 3 लाख वोट से मात देकर सांसद बने थे, लेकिन बीजेपी ने अब उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत के विकल्प के रूप में राज्य की सत्ता की कमान सौंपी है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के सीरो गांव से आने वाले तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण रहा है। तीरथ सिंह रावत का जन्म 9 अप्रैल 1964 को हुआ। उनके पिता का नाम कलम सिंह रावत और मां गौरी देवी हैं। तीरथ अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। वो छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए थे। महज 20 साल की उम्र में साल 1983 में वो संघ के प्रांत प्रचारक बन गए। राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 महीने तक जेल में रहे। तीरथ ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर समाज शास्त्र में मास्टर्स करने के बाद पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बिरला परिसर श्रीनगर में पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति से शुरू की। साल 1992 में वो सबसे पहले एबीवीपी की तरफ से गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बिरला परिसर श्रीनगर के छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इसी के बाद एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। साल 1997 में वो यूपी विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद पृथक राज्य उत्तराखंड का गठन होने पर साल 2000 में राज्य की अंतरिम सरकार में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने। साल 2007 में बीजेपी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सदस्यता प्रमुख, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुने गए। साल 2012 में विधानसभा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हार गए थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत चौपटा खाल से विधायकी जीतने में कामयाब रहे। तीरथ सिंह रावत के दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद पार्टी ने उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी सौंपी। साल 2013 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और वो 2015 तक इस पद पर रहे। साल 2017 में सीटिंग विधायक होते हुए टिकट कटने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली थी, जहां की चारों लोकसभा सीटें जिताकर पार्टी में खुद के कद को और मजबूत किया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने तीरथ को गढ़वाल सीट से उतारा और वो जीतकर संसद पहुंचे और आज मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर सज गया है। तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक का सफर तय करने वाले तीरथ सिंह रावत के ऊपर अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी है। देखना यह होगा कि आखिरी 1 साल की मिली जिम्मेदारी को रावत कैसे निभाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिला पाते हैं या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।